एक दिन पहले ही आपने बेलगाम इंदौर पुलिस का असल चेहरा देखा, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में अमानवीयता की हदें पार करने की मानो होड़ सी लगी हो। इंदौर का मामला ठंडा भी ना हुआ और अब पड़ोसी जिले की पुलिस आरोपों के घेरे में है। जी हाँ, उज्जैन थाना नाना खेड़ा पुलिस का ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया है जिसे देखकर मानवता शर्मसार हो जाए। इंदौर पुलिस तो महिलाओं पर गर्जी थी, लेकिन उज्जैन पुलिस उफ बच्चों पे ही बरस पड़ी। आरोप है कि एक चोरी के मामले में पकड़े गए दो नाबालिग बच्चों के पैरों को जंजीर से बांध फर्श पर पटक दिया गया। नियम कायदों का दम फूलता रहा और बच्चे बिलखते रहे, लेकिन अब वायरल फोटो ने खाकी को पसीना ला दिया। पुलिस कप्तान साहब ने जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। काफ़ी गंभीर मामला है, इस प्रकार से कभी भी बालअपचारी के साथ कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर दोषी इसमें कोई भी कर्मचारी अधिकारी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें सभी अधिकारी जो थाने पे मौजूद थे या इसमें जिम्मेदार हैं, विशेषकर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी ऐसे मामलों में बनती है, थाने के प्रभारी रहते हैं वो, और जिस भी अधिकारी का इसमें गलती पाई जाएगी, दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शहर के वेद नगर क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई, मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने 6 लोगों को शंका के आधार पर धर दबोचा। आरोपियों की फहरिस्त में 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। बच्चों की उम्र की बात की जाए तो 11, 13 और 14 साल बताई गई। एक को बख्श दिया गया, लेकिन 2 नाबालिग पुलिसिया अंदाज के शिकार हो गए। नाबालिग बच्चों पर पुलिस कार्रवाई के कुछ नियम हैं, लेकिन साहब खाकी तो खाकी है, जिस पर बरसी फिर तो ऐसी बरसी कि देखकर मुंह से बरबस ही निकल जाए। उफ़।